बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कितना तुसे वधिया, उम्मीद कर दिया सब खैरियत ना होंगे। और आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त आज बना रहे हैं, भी पसंदीदा रेसिपी और इन्हें मैं कितना बनाया वा बहुत ही मज़ेदार लगते और बहुत प्यारा इन्हों का टेस्ट आता वा। पसंदे बनाने वास्ते गोश्त तुम ना जरा चाहिए वो इदा का पीस चाहिए हों पसंदे का और बहुत ही ज़बरदस्त इदा का पीस तुम ले लेना वा। और इनू ना तुम हल्के हल्के हत्थों ना कट लगाना वा, ठीक है ना। हल्के हल्के हत्थों ना कट लगाऊंगे और कट के और लगा रही हूँ मैं इतने बिल्कुल हल्के हत्थों ना। पसंदे की इस रेसिपी ने बहुत ही अलग तरीके ने बनाऊंगे और बहुत ज़बरदस्त लगता वा। इदा तुम कट लाजिम लगाने और कट क्यों लगाने भी मैं तुम्हें शेयर करूँगी। देखो माशाल्लाह बिल्कुल हल्के हत्थों ना लगाने और दूसरी साइड से भी लगा लेने और इदा लगाने तो बाद फिर मैं दूसरी तरह भी लगाऊंगी, ठीक है ना। दो तरह के कट लगाने इतने और यदा टेस्ट जरा ना मसाले वगैरह का बहुत अच्छी तरह इदा आएगा और इदा बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ट्राई करके तुम जरूर देखिए, उम्मीद है तुम्हें अज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। और अगर मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और आ देखो दोनों तरफ मैं कट लगा लिया और दूसरे पीस से भी मैं इधी कट लगा लूँगी। अगर तुम मेरे चैनल पर नवे हैं तो जल्दी ना जाके सब्सक्राइब कर दो और नाली बैल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि तुम हर आने वाली वीडियो मिल सके। पानी नू मैं गर्म रखा हुआ वा और पसंदे मैं रेडी करके रख लिया, ठीक है ना। और दोनों मैं हल्के हत्थ ना बिल्कुल कट लगाए सी और आ देखो मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लग जाते हैं। और इनू मैं पकाना वा, ठीक है ना। इनू मैं किन्नी देर पकाना और ये मैं जो चीज़ ऐड करूँगी वो लसन आ, लसन के जवे दो और मैं ये पाऊँगी नमक हसबे जरूरत। नमक तुम इतने पूरा रखना वा, ठीक है ना। और ये मैं पा रही हूँ हल्दी और पकाऊँगी मैं सिर्फ 15 मिनट, ठीक है ना। आग बिल्कुल स्लो रखूँगी और 15 मिनट मैं इनू अच्छी तरह पकाना वा और यदा पानी अच्छी तरह ये अंदर जज़ब करना वा, ठीक है ना। अच्छा जी 15 मिनट तो हो चुकी है। आ देखो मसाला पानी मैं यदा बिल्कुल ड्राई कर लेना वा और बिल्कुल खुश करने हैं, ठीक है ना। पानी यदा मैं ज़ाया नहीं किया। अगर तुम कुछ लोग इदा भी बनाते हैं इन अच्छी तरह बॉयल करते हैं और बॉयल करने तो बाद पानी फेंक देंगे तो इदा बनाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि जो यदा असर होंगे ना टेस्ट हों तुम ज़ाया कर देंगे। पानी ये अंदर ही पानी सिर्फ उन्ना इस्तेमाल करो कि गोश्त भी गल जाए और अच्छी तरह गोश्त गलना चाहिए, गोश्त भी गल जाएगा और अच्छी तरह पानी भी खुश्क हो जाएगा। इदा टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। देखो इदा मैं रेडी कर लिया और ये मैं हम मसाले वगैरह लगाऊंगी, ठीक है ना। लाल मिर्च लगाऊंगी मैं, थोड़े जे स्पाइसी बनाऊंगी और मसाले मैं थोड़े जे ज़्यादा रखूँगी। हाफ चम्मच मैं लाल मिर्च लगा रही हूँ और सुखा धनिया ये, ठीक है ना, खुश्क धनिया जरा। और ये मैं पाऊँगी गर्म मसाला, गर्म मसाला 1 चम्मच पाई है और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है गर्म मसाला, ज़्यादा बहुत मज़ेदार लगता है अंदर। और लाल मिर्च में 1/2 चम्मच इस्तेमाल की है दोनों साइड से, ठीक है ना। और गर्म मसाला, सूखा धनिया अच्छी तरह मसाला लगना और लेमन वगैरह लगाऊंगी अच्छी तरह दोनों साइड से लगाना वा और लगा के 10 मिनट छोड़ देना वा, ठीक है। अच्छा जी 10 मिनट में मसाला लगा के ना मैं रेस्ट दिता और बहुत ही ज़बरदस्त यदा टेस्ट आएगा। हूँ मैं इनू फ्राई करूँगी घी गर्म आ, ठीक है ना, अच्छी तरह गर्म करना घी इनू और बहुत ही ज़बरदस्त यदा कलर लेके आना और अच्छी तरह फ्राई करांगे ताकि जरा यदा टेस्ट ना और भी ज़्यादा मज़ेदार आए और मसाला बहुत ही अच्छी लुक आएगी। इन्ना ज़्यादा जला नहीं देना, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल जहाँ फ्राई करना वा और बहुत ही ज़बरदस्त यदा टेस्ट आएगा। यदा जायका जरा होंगे ना बहुत प्यारा होंगे वा और मैं बहुत ही पसंद आ। और उम्मीद है अज की रेसिपी तुम्हें भी पसंद आएगी। मेरे चैनल पर नवे तो जल्दी ना जाके सब्सक्राइब कर दो और नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि तुम्हें हर आने वाली वीडियो मिल सके। बिल्कुल सिंपल जी रेसिपी और यदा टेस्ट ना बहुत ही मज़ेदार होंगे वा और तुम जो ट्राई करोगे ना बहुत ही मज़ेदार तुम्हें टेस्ट मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त लगता वा। अच्छी तरह गल भी चुकिया और बहुत ही मज़ेदार फ्राई होया वा। देखो बिल्कुल इदा का फ्राई करना हल्का गोल्डन जहा और यदा कलर है ना बहुत ही ज़बरदस्त आना, ज़्यादा जलाना नहीं है ताकि यदा टेस्ट ना आए। और यदा कलर देखो मसाला बहुत ही अच्छी लुक आती है इदा और बहुत ज़बरदस्त यदा टेस्ट आ और मसाला अच्छी तरह गल चुकी आ। देखो ज़बरदस्त गल भी गया वा और यदा टेस्ट ना जरा बहुत ही मज़ेदार, इन्नी ज़बरदस्त यदि खुशबू आ रही है। मसाला अच्छी तरह गल गया और बहुत ही मज़ेदार यदा टेस्ट है ना मसालिया की जी यदि खुशबू आ बहुत ज़बरदस्त आँदी है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, असी फिर मिलेंगे नवे चस्के नवी रेसिपी के नाल। ओके अल्लाह हाफिज़।